So my thinking is, don't be only a reader, be a writer. You can make up-to-date change. So you should be proud of your history. But people should remember that we are having, or we are having a legacy which we should do justice to. Teachers must ask questions. Imagination is more important than knowledge. This is what Einstein has said. Because knowledge is limited, imagination has no limit. जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार मेडिको रिम्स रांची आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल मिड मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सर को हमारे रिम्स के नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे ऑडिटोरियम में इनका ओरिएंटेशन सेशन हुआ था। इस सेशन में डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सर ने ऐसे कई बातें कही हैं जो हम सभी के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल, इंपॉर्टेंट एंड लर्निंग है। तो चलिए इन्हीं कुछ बातें को सीखते हैं। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता दूं, डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सर देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इन्हें देश के चौथे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। पर सबसे बड़ी गौर फरमाने वाली बात यह है कि डॉक्टर कामेश्वर सर हमारे रिम्स के ही स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई रिम्स से ही की थी और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीधा एम्स दिल्ली में मेडिसिन डिपार्टमेंट में दाखिला लिया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सर ने सबसे पहले स्टूडेंट की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में कहा। उन्होंने कहा, एज ए स्टूडेंट हमें हमेशा अपने टीचर के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना चाहिए। योर टीचर विल बी हैप्पी इफ यू हैव डन योर टास्क प्रॉपर्ली एंड इवन एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशंस। फिर सर ने कहा, अगर आपको सच्ची में कुछ सीखना है तो आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा। आप जितने ज़्यादा जिज्ञासु रहेंगे आप उतने ज़्यादा सीखेंगे। उन्होंने अपनी ही एक कहानी बताई कि कैसे वो अपने टीचर को बस एक सवाल का जवाब देने के लिए 5th फ्लोर लाइब्रेरी तक दौड़ गए थे और उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था। Others, we will again join him back. So VIP came, we thought it will take at least 10-15 minutes. And I was not knowing the answers. So what to do? I rushed to the library. And not wasting time in the lift, I climbed all the 5 stairs running to the library. Took out the book from which he was quoting. Went to Moyamoya disease. Red, this is called puff of smoke, came down running so that it should not be known to Dr. Kameshwar Prasad that I had gone out from the ward at that time. And I was relieved that VIP was still there. So at least I could hide my, rushing to the library and finding out the answer. Then VIP went back, we were all in. So he asked, what is the meaning of Moya Moya? So I told him, puff of smoke. Yes, yes. How do you know? So it makes you really, I should say, mad at learning. फिर सर ने यह भी कहा कि वे इतने क्यूरियस रहते थे कि वे क्लास से एक दिन पहले ही उस चैप्टर को पढ़ के जाते थे जो उस दिन पढ़ाया जाने वाला था। And then, whenever he had a class, I used to go after reading that chapter from Paul Wood. And I surprised him that next time when he asked question, I answered exactly what he wanted to know. फिर सर ने टीचर्स की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि टीचर्स को हमेशा स्टूडेंट को पढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहना चाहिए। सर ने यह भी कहा कि एज ए टीचर्स को हमेशा स्टूडेंट से क्वेश्चन करते रहना चाहिए, भले ही वो उनका आंसर करे या ना करे, पर उन्हें सवाल जरूर करते रहना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछे जाने चाहिए जिनका जवाब सिर्फ कुछ ही स्टैंडर्ड बुक्स में ही मिलती हो। टीचर्स मस्ट आस्क क्वेश्चंस, राइट, बिकॉज़ दैट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ टीचर्स, नॉट गिव द आंसर्स बट आस्क क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। दे नेवर टोल्ड अस द आंसर। So all these books didn't give the answers which he used to ask. So I started hunting, where is he asking these questions from? I went to the library. Every book which had cardiology, whether as a part of medicine or cardiology, every book in the library I checked and got the book from which he was asking questions. That still I remember, Paul Wood's diseases of the
सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर सर ने फाइनली सक्सेस की कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लर्निंग शेयर की और कुछ ऐसे बातें कही जो हर रिम्सोनियन के दिल को छू जाएंगी। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर हिस्ट्री, यू शुड नो यू आर एट अ प्लेस वेयर सच लेजेंडरी टीचर्स हैव टॉट स्टूडेंट्स। सो आई थिंक दिस प्लेस डिजर्व्स बेटर देन व्हाट यू आर गेटिंग टुडे। आई नो दैट दिस इज नॉट हैपनिंग, at least not happening 100%. But people should remember that we are having a legacy which we should do justice to. I have not come here for anything else. I have come here for 3 years to pay my tribute to my teacher. I don't want anything. You should remember the history of RMC and you should rise from petty things to thinking top in the world. You can reach anywhere. When I went from here, in first attempt, they used to tell me, you will never get into AIMS because nobody has got into AIMS medicine department so far. And if you try medicine, they will give you forensic medicine. But in the first attempt, because of these teachers, I had no problem. I didn't read any MCQ book, let me tell you. Don't just think small. This is the main point of my talk. Think big. Imagination is more important than knowledge. This is what Einstein has said. Because knowledge is limited. Imagination has no limits. Think you can move the world sitting here in somewhere in this campus. And from that angle you start proceeding from now. Forget about small things. I know there are difficulties. Nobody can make changes as you find in USA, but USA will follow you if you do the right kind of work. With this idea, I want you to change your thinking and I want your support to take this institution to a higher level. I am not here to do a job. I have a job offer from abroad. I have a job offer from another corporate hospital in Delhi and they will pay me 10 times more than what I will get here. I already get my pension. I am a retired person. I should tell you I am retired from AIMS. And even after retirement I got 2 years extension. That was also to finish in a few months. But I opted to come here, as I told you, to pay tribute to my teachers. Please help me. Please don't think small, think big. Imagine you can conquer the world. Thank you. सभी का तहे दिल से शुक्रिया मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, स्टूडेंट के लिए वीडियो के एंड में कुछ खास है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये ज़िंदगी बहुत ही छोटी होती है अपनी गलतियों से सीखने के लिए। अगर आप दूसरी की गलतियों से सीखेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट, एज ए नीट एस्पायरेंट, ऐसी क्या क्या गलतियाँ हैं जो एक स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। और ये गलतियाँ वो ऐसी गलतियाँ होती हैं जो करने के बाद उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम गलतियां कर रहे हैं। तो मैं और मेरे दोस्त, जी हां मैं और मेरे दोस्त, आप लोगों को गाइड करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ऐसी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। बस आपको इतना सही करना पड़ेगा, मैंने अपने लिंक में, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप फॉलो करें ताकि हम आपको हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो पोस्ट कर सकें, स्पेशली आपको गाइड करने के लिए कि क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आप लोगों को बताना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ बताएंगे। बस आप एक काम कीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में और मैं और मेरे सहपाठी आपका जरूर से जरूर वहां पे हेल्प करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।